Hello students, today I am going to teach you Hindi subject and part number 4 Kathani or Karni. Hindi में जो मैंने आपको करवाया था अब आगे करते हैं कथनी और करनी का जो पहला पार्ट दे चुकी हूँ दूसरे पार्ट पर हम आते हैं कहानी है अर्थ की है चैप्टर नंबर 4 है पार्ट नंबर 4 है कथनी और करनी हमने यहाँ पर प्रश्न 2 का विराम चिन्ह के मैंने बताया था ग्रामर के अबाउट यहाँ पर व्याकरण के अबाउट बताया था विराम चिन्ह फिर अल्प विराम प्रश्न सूचक चिन्ह उद्गार चिन्ह अवतरण चिन्ह और हमने यहाँ मैच भी किया था इसको जोड़ बनाई थी अब हम आगे आते हैं आगे चलते हैं यहाँ पर है ब वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए नंबर 1 है फूल तोड़ना मना है हमें यहाँ क्या लगाना है विराम चिन्ह लगाना है तो इसका है फूल तोड़ना मना है हम लास्ट में पूर्ण विराम करें लिखेंगे सच का चिन्ह लगाएंगे 2 नंबर में वह कितना सुंदर दृश्य है क्या है वह कितना सुंदर दृश्य है उद्गार वाक्य है हम इसके आगे यहाँ लगाएंगे चिन्ह वह फिर के बाद उद्गार चिन्ह लगाएंगे वह कितना सुंदर दृश्य है लास्ट में क्या है पूर्ण विराम लगाएंगे 3 नंबर है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है 3 नंबर में है बसों में लिखा होता है धूम्रपान यहाँ लगाएंगे धूम्रपान वर्जित है 4 नंबर में है धारा ये देखिए क्या है अवतरण चिन्ह है ना ये अवतरण चिन्ह किसको क्या बोलते हैं अवतरण चिन्ह है जब किसी के क्या कहे गए शब्दों को हम क्या है शब्दों को क्या है जो कत्यों लिखना होता है तब उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ लिखा हुआ है बसों में लिखा होता है ये क्या कहलाएगा अवतरण चिन्ह धूम्रपान वर्जित है हमने यहाँ लगाया अवतरण चिन्ह 4 नंबर में है धारा रात दिन पड़ती रहती है तो धारा रात दिन पड़ती रहती है हमने यहाँ पर ये है ये यहाँ पर लगाया ठीक है पूर्ण विराम कर दिया है ये क्या है पूर्ण विराम अब ये है अल्प यहाँ पर रात दिन धारा रात दिन पड़ती रहती है ये हमने योजक चिन्ह लगाए यहाँ पर देखिए रात और दिन में क्या लगाया योजक चिन्ह इसे क्या बोलते हैं योजक चिन्ह रात और दिन धारा रात दिन पड़ती रहती है धारा रात अर्मिया लगाया योजक चिन्ह लगाया तो धारा रात दिन पड़ती रहती है हमने क्या लगाया यहाँ पर अंतिम पूर्ण विराम लगाया है 5 नंबर में है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं ये क्या है प्रश्न सूचक चिन्ह लगाए गए हैं ये एक प्रश्न पूछते हैं कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं हम अंत में क्या लगाएंगे यहाँ पर ये है प्रश्न सूचक चिन्ह तो आपको अच्छी तरह से आ जाने चाहिए चिन्ह जो है जो विराम चिन्हों का प्रयोग करना है हमें तो इन तमाम चीजें हमने मैंने आपको बताई व्याकरण भी आपको बहुत जरूरी है व्याकरण का भी क्या है हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तो हमें किस तरह लिखना है मैंने ये आपको बताया प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास हमें गोलाकार बनाना है चिन्ह कीजिए तो यहाँ पर वहाँ पर गोलाकार करना है निम्नलिखित वाक्यों में से जाति जो वाचक संज्ञा है उसके आसपास में गोलाकार यानी की चिन्ह कीजिए देखिए मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है अभी जाति वाचक संज्ञा है मनुष्य है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे ऐसा गोलाकार बनाएंगे ऐसा चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ लगाया है मनुष्य के ऊपर लगाया है अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है 2 शिल्पा ने 4 पौधे बोए या तो लगाए 2 नंबर में शिल्पा ने 4 पौधे बोए लगाए
तो इसमें क्या है, पौधे क्या है, जाति वचक है, तो हम उसके आगे हम गोलाकार करेंगे। गोलाकार जो संज्ञा चिन्ह बताया गया है वहाँ हम गोलाकार, यहाँ पर जिसे बताया यहाँ हम क्या करेंगे, गोलाकार जो है चिन्ह बनाएंगे। शिल्पा ने चार पौधे बोए या लगाए। तीन नंबर में है, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। तो कहाँ कौन है जाति वाचक है, वो है शहर है। तो शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, हम ये गोलाकार बनाएंगे। गोलाकार चिन्ह बताया इसके जो है जाति वाचक के ऊपर, इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसा सर्कल या गोलाकार बनाएंगे। चार नंबर में है, फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल है जाति वाचक, तो फूल पर हम गोलाकार बनाएंगे, फूल सबको अच्छे लगते हैं। अब प्रश्न चार पर आते हैं, कथनी जो बोली जो बोल करते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता और करनी में समानता रखने में मुश्किली आती है क्या या नहीं, यानी क्या है, कथनी और करनी से जो समानता रखने में मुश्किलें आती हैं या नहीं, हमें चर्चा करना है, चर्चा कीजिए। उत्तर है, राकेश चंपा को और गीता वार्तालाप करते हुए। यहाँ है एक बताया गया है कि राकेश जो है जो समानता रखने मुश्किल आती है, हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं वो खुद नहीं करते लेकिन दूसरों को नसीहतें देते हैं। तो यहाँ एक बच्ची ऐसा बताया गया है, यहाँ पर किस तरीके से लोग दूसरों को नसीहतें देते हैं लेकिन खुद उस पर क्या है, उसको अमल नहीं करते। यहाँ है राकेश है चंपा को और गीता वार्तालाप करते हुए, तीनों बातें करते हैं। राकेश कहता है, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है। क्या बोलता है राकेश, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें क्या है, काफी मुश्किलें आती हैं। ऐसे करनी और कथनी जो हम करें वो जो हम बोलते हैं वो करें नहीं, ऐसा बहुत कम दिखाई देता है और ये करना नहायत मुश्किल है। चंपा कहता है, धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती हैं। ऐसे लोग के ऊपर धनी है कि जो कथनी करते हैं और उसको अमल भी करते हैं। तो क्या है, धनी है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं हो सकता है। हम दूसरों को उतनी लंबी लंबी सजाएं बताएंगे, नसीहत देंगे लेकिन हम वो खुद ही काम करते हैं, तो सबके लिए सबके बस की ये बात नहीं है। चंपा क्या बोलती है कि मेरी जो है मुझसे तो यह काम कभी नहीं हो सकता। गीता कहती है, अरे किसी से नहीं हो सकता। गीता क्या कहती है, अरे किसी से नहीं होता। जब चंपा कहता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो गीता क्या बोलती है, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। बोलो कैसा होता है ना, ऐसे लोग करते हैं कथनी करते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। तो गीता बोलती है, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश कहता है, मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं, जा सेठ से कह दे कि मेरे पिताजी घर में नहीं हैं। क्या बोलता है राकेश कि मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक आता है किराया लेने के लिए मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं, वो घर पर होते हैं तो भी क्या बोलते हैं उसको, राकेश को, कि जा सेठ से कह दे कि मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। तो क्या है, जा सेठ से कह दे कि मेरे पिताजी घर में नहीं हैं। चंपा कहता है, अरे भाई जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं। अरे भाई जिसकी
जिनकी क्या कथनी और करनी एक जैसी होती है वे तो संत कहलाते हैं, अपने बस की बात नहीं है। यहाँ ना किसी की माँ संत है ना बाप। हमारे माँ बाप भी संत नहीं है और हम उनके औलाद भी ऐसे हैं कि जो हम भी संत नहीं है। हम क्या है, झूठ पे झूठ बोलते हैं, कभी सच नहीं बोलते, क्योंकि हमारे माँ बाप ही झूठ बोलते हैं तो हम भी झूठी बोलेंगे, तो हम भी झूठ बोलते हैं। गीता कहती है फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। क्या करने चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसी मनुष्य क्या है, उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। क्या कहती है गीता कि फिर भी हमें कथनी जो हम बोलते हैं और करनी जो करते हैं समान रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है वह क्या होती है, उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। जो हमेशा सच बोलता, कथनी करता है और उस करनी भी करता है उसके जैसी, उसका ही लोग आदर सम्मान करते हैं कि ये बहुत बढ़िया, बहुत सच्चा इंसान है। अब प्रश्न 5 है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है, एहसान है, यानी ऋण है, एहसान है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक जननी न माँ जो आपको जन्म देती है, एक की गोद में क्या है खेल खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, आप पुष्ट होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना बड़ा उपकार हो, इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी जो हैं अपनी मातृभाषा की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उसे उसको खातिर में नहीं लाते। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मानव वृत्ति का परिचय देते हैं। यह अत्यंत दुख की बात है, दुख का विषय है कि आज जो अधिकांश लोग भारतवासी हैं वो अपनी मातृभाषा जो है हिंदी की उपेक्षा करते हैं और अंग्रेजी को अपनाते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं, और इंग्लिश जो होती है उसको बोलकर क्या करते हैं, अपने जो अहंकार होते हैं तथा दूषित जो होते हैं मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। जो अपनी मातृभाषा होती है उसका ही तिरस्कार करता है, उसको तिरस्कार करके इंग्लिश ही बोलता रहता है। हमारी जो मातृभाषा हिंदी को हम तिरस्कार करेंगे और उसे उसकी जगह हम इंग्लिश बोलेंगे तो उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। उस मानवी का देशभक्त कभी नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 1 है, हम पर किस किस का, अब हमें क्या है, परिच्छेद भी पढ़ा हमने, अब प्रश्न उत्तर पर आएंगे। उसके अबाउट उसके अंदर से ही हमें प्रश्न उत्तर लिखने हैं। इस पर हम पर किस किसका ऋण है, किस किसका एहसान है, ऋण यानी एहसान है। उत्तर, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। उत्तर, हम पर माता, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है, इस तीनों का हम पर एहसान है। 2 नंबर, माता का ऋण हम
हमें क्यों अदा करना चाहिए। जो माँ होती है, माता का जो हक होता है जो हमारा, वो हमें उसका हमें फर्ज कैसे अदा करना चाहिए। उत्तर, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। तीन नंबर में है, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? अब अंदर से हम पढ़ के लिखेंगे, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? उत्तर लिखेंगे, मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चार नंबर में है, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? उत्तर में लिखेंगे, जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। यानी क्या है, जो मातृभाषा का तिरस्कार करे, उसका अनादर करे और अंग्रेजी बोलने के में अपना घमंड बतावे कि मेरे को कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है, तो क्या है, देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो हमें जो मातृभाषा का तिरस्कार करे और अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करे, ऐसे ऐसे जो होते हैं देशभक्तों को नहीं, वैसे लोगों को हम देशभक्त नहीं कह सकते। पांच नंबर का प्रश्न है, गदांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हमें इसका शीर्षक लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, सच्चा देशभक्त अथवा माता मातृभूमि और मातृभाषा। हमें आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको चूज करना है दोनों में से, दोनों में से कोई भी एक हमको लिखना है। आपके चॉइस के हिसाब से हमें तुम्हें लिखना है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। अब हम स्वाध्याय पर आते हैं। प्रश्न एक है, अंदाज अपना अपना। अपना अपना अंदाज सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर है, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। इस पर कथनी करना, कथनी और करना में क्या है, इसके हमें इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, इसके हमें अपने विचार लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी हो। क्या है, कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो क्या हो, सत्यवादी, निर्भय और साहसी हैं। चरित्रहीन जो होते हैं, जो अच्छे नहीं होते कैरेक्टर के, डरपोक लोग होते हैं, अपनो क्या है, अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। चरित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता क्या है, कभी नहीं रख सकते। प्रश्न दो पर आते हैं, कथनी और करनी में अंतर। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो आपको विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। हम उसे पढ़ेंगे, उन्हें पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर है, कथनी और करनी में अंतर। इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही करूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक दिन क्या क्या माँ से कहा
कि कल मैं सुबह जल्दी उठकर टहलने जाऊंगा। दूसरे दिन माँ मुझे जगाते जगाते थक गई, पर मैं नहीं उठा। मेरी कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का अंतर रहा। मेरे विचार से कहना बहुत आसान है, पर अपने कहे हुए को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है ना? तो क्या है, हम बोल तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर न हो। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी को करनी में बदलना ही होगा। क्या है, अगर हम कथन करते हैं तो उसको क्या है करना ही है हमें, खाली कथन कथन नहीं करेंगे हम। यदि मुझे कुछ बनकर दिखाना है, हमें कुछ बनकर दिखाना है तो अपनी कथनी को करनी में बदलना ही होगा। प्रश्न 3 है, क्या है यहाँ पर, दिखाई करके दिखाइए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। अब यहाँ है जो उदाहरण दिया है, फूल तोड़ना है तो फूल तोड़ना मना है। यहाँ लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। अब हम लिखेंगे नंबर 1 में, मैं हर रोज, यहाँ पर से क्या लेंगे, खेल, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। 2 नंबर में है, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। क्या है, सबको कथनी करने में समानता रखनी चाहिए। 3 नंबर में है, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। अब हम चलते हैं प्रश्न, इसके भाषा सज्जता जो बताई कहावतें हैं जो उसके पर जाएंगे। भाषा में मुहावरों की तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण बताया है, एक जब कोई व्यक्ति बिना कोई काम किए पड़ा रहता है तब उसके लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है जो कोई काम नहीं करता, तो क्या बोलते हैं, काम का ना काज का, ढाई शेर अनाज का। क्या है, जब कोई व्यक्ति बिना कोई काम किए पड़ा रहता है तो उसे कहा, क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, काम का ना काज का दुश्मन, काम ऐसा भी बोलते हैं, दुश्मन अनाज का ही बोलते हैं, पर यह लिखा है काम का ना काज का, ढाई शेर अनाज का। 2 है, जब अधिक मेहनत करने पर भी फल कम मिलता है तो उसके लिए कहा जाता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कहावत है ये, इसका लोगों के अनुभवों के आधार पर कही गई और बाद में समाज में रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। हम किसको कहते हैं कहावत, उसकी जो हमें लिखने व्याख्या लोगों के अनुभवों के आधार पर कही गई और बाद में समाज में क्या है वो रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। निम्नलिखित कहावतों को पढ़िए और समझिए। यहाँ बताई गई है कहावतें बताई गई है। 1 में है, आम के आम गुठलियों के भी दाम। देखिए इसका क्या मतलब होता है, दोहरा लाभ लेना। एक लाभ नहीं, दोहरा लाभ लेना,
आम भी क्या है, आम भी खाना और गुठलियों को भी क्या है उसके भी दाम लेना। तो ये हुआ दोहरा लाभ लेना, अर्थ हुआ दोहरा लाभ लेना। दो नंबर में है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। क्या होता है इसका मीनिंग, इसका अर्थ होता है कर्मों जो अपने हमारे जो कर्म है हम जो करेंगे कर्मों के अनुसार फल मिलना। तीन नंबर है सांच को आँच नहीं, सच्चाई को कभी भी कोई चीज का डर नहीं रहता, तो सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसे कोई डर भय नहीं होता। चार नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर, यह बिल्कुल अनपढ़ होता है, अनपढ़ जो होता है हम उसे कितना भी लिखेंगे वो क्या है उसे कुछ भी नहीं समझेगा। अगर हम काला अक्षर भैंस के आगे लिख के रख देवे तो वो उस पर ध्यान भी नहीं देगी और वो अपना क्या है जुगाली करती रहेगी। तो क्या है यहाँ पर बताया है कि काला अक्षर भैंस बराबर, जैसे भैंस काली होती है और वो अक्षर भी काले होते हैं, वो उसको अनसुनी करके क्या है आराम से जुगाली करती है, उसको कोई चीज की क्या है कल नहीं होती। तो यानी बिल्कुल क्या है अनपढ़ होना। काला अक्षर जो अक्षर होता है काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल भी क्या है उसमें अनपढ़ होना। तो यहाँ है काला अक्षर भैंस बराबर लिखा गया है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों का ध्यान से देखिए। रेखांकित शब्द किए गए हैं उनको हमें ध्यान से देखना है। नंबर एक है हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो नंबर में है पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तीन नंबर में है हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। चार नंबर में है महात्मा बुद्ध ने शांति दया और प्रेम का संदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने किसका संदेश दिया, शांति दया और प्रेम का संदेश दिया। पांच नंबर में है क्षमा चोरी का भूषण है। जो क्षमा मांग लेते हैं गलती का अपने इकरार करते हैं गलती मान लेते हैं तो क्या होती है क्षमा, क्या होती है क्षमा वीरों का आभूषण है, गहना है। जो वीर होते हैं वो कितना उससे रहते हैं, तो जो क्षमा होती है उससे क्या होता है क्षमा है जो औरों का आभूषण है। तो इन वाक्यों में अहिंसा चढ़ाई विनम्रता शांति दया प्रेम क्षमा ये रेखांकित शब्द हैं। ये शब्द अब तुम अपने क्या है क्या है इसमें लिखा हुआ है, ये गुण जो बताए गए हैं गुण है दोष भाव दशा आदि का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं ये शब्द, गुण। गुण है किसमें, किसमें क्या दोष है भाव क्या बोलना चाहता है दशा है उसकी क्या है आदि का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बताइए, भाववाचक संज्ञा जो शब्द गुण दोष दशा भाव आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ बताया है निम्नलिखित शब्दों में से क्या है भाववाचक संज्ञा बनाइए, हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। यहाँ लिखा है सच्चाई सच्चा ऊंचाई ऊंचा, देखिए सच्चाई तो सच्चा ऊंचाई तो ऊंचा, बचपन लंबाई अमीरी लड़का बुढ़ापा और यहाँ लिखा हुआ है गंगा। सच्चाई सच्चा ऊंचाई ऊंचा यहाँ है बचपन लंबाई अमीरी लड़का बुढ़ापा और गंगा। अब उत्तर बताए गए हैं कि भाववाचक संज्ञाएं किसे कहते हैं,
सच्चाई, ऊंचाई, बचपन, लंबाई, अमीरी, बुढ़ापा।